ट्रैंग रूट में जब पहुंचेगी तब न, अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो, आपको दो तो ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यही जमा करना है, क्या करोगे आप? बीजेपी ईवीएम धांधली के बल पर ही चुनाव जीती है। जी हां साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बीजेपी ईवीएम के दम पर ही चुनाव जीती है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बात चुनाव ड्यूटी में लगा एक कर्मचारी कह रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए फटाफट से आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य और आप देख रहे हैं जनहिता आवाज। एक बार फिर हाजिर हूं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि बीजेपी ईवीएम की धांधली करके ही चुनाव जीत रही है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। साथियों, अगर चुनाव आयोग चाहे तो यह बात 16 आना सच हो सकती है। साथियों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दो व्यक्ति ईवीएम के बारे में बात करते हुए सुनाई दे सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए कह रहा है कि माहौल तो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सत्ता में आना नामुमकिन है। समाजवादी पार्टी सत्ता में क्यों नहीं आ सकती, पहले आप खुद ये ऑडियो क्लिप सुनिए। प्रदेश में जहाँ की ईवीएम न बदली गई है, यही हुआ था बिहार में, तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा, क्योंकि मैं न तो वोटर था, न मैं वहाँ था, न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइए नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूंगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा, कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। जब आपका ईवीएम सब बदल लिया तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं नहीं बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले? पहले यस्तो बोला, पहले यस्तो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। तो देखा भी है हम लोगों ने उस चीज को, देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर लिए यार, थोड़ा सा बाल बच्चा है, मनोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लिया, नौकरी बचाओ बदे। नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दे पूरे प्रदेश में गलत, हम सपोर्टर ना आई भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दे माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपाही आनी चाहिए, सपाही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है, आएगी ही नहीं। मैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता तो वहां से जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होकर जाता है ना पूरा, हम इन लोगों के अंडर में आता है, तो वहां से कैसे बदल लेंगे सब? हमारी वो बात है, स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब ना, अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम नहीं। जी हाँ साथियों, सुना आपने, व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती, क्योंकि हर विधानसभा ही नहीं बल्कि हर पोलिंग बूथ पर ईवीएम बदलने की बात ऑडियो क्लिप में की जा रही है। और क्या कहा गया है इस ऑडियो क्लिप में, पहले आप ये दूसरा भाग और सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होकर जाता है ना पूरा, हम इन लोगों के अंडर में आता है, तो वहां से कैसे बदल लेंगे सब? हमारी वो बात है, स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब ना, अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो, आपको दो तो ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यही जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। जो बीजेपी का वोट पड़ा हुआ है वो
उसमें लेकर रख देंगे उसको। तो सुना आपने, व्यक्ति दावा कर रहा है कि स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ही ईएम बदल दी जाएंगे। वहीं इस वीडियो क्लिप का सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। क्या लिखा है इस ट्वीट में, ये भी हम आपको बता देते हैं। ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान लें। वह सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। तो देखा साथियों, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय से मांग की है कि व्यक्ति को सुरक्षा दी जाए। देखा साथियों, आपने किस प्रकार से चुनावों में बड़े स्तर पर ईवीएम में धांधली होने की आशंका प्रबल होती जा रही है। अगर इस ऑडियो क्लिप की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल आपकी इस ऑडियो क्लिप पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज़।